girls. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। तो भाई हम ना 22 तारीख को सुबह चले थे और अब 22 तारीख को रात को पहुंच गए और आ चुके हैं सिसु में। 23 तारीख की ना यहाँ पे स्नोफॉल दिखा रखी है। तो अभी देखो पूरी रात तो बीत गई है, तो यहाँ पे तो इतनी ज्यादा स्नोफॉल नहीं है। देखो वाइपर पे, देखो वाइपर तो देखो ये जम गए यहाँ पे। और रूफ के ऊपर भी देखोगे ना तो यहाँ पे भी भाई बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत स्नो के फ्लेक्स पड़े हुए हैं। तो रात को थोड़ी बहुत तो स्नोफॉल हुई है, बाकी ऊपर की तरफ में स्नोफॉल हुई है। ये वाली चीज ना भाई टायरों को बहुत, मतलब चलते वक्त भी खट 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 करती रहती है और टायरों को भी काटती है ये चीज। इतनी ट्रिप आप गए आज तक ना लगा आज सही में लगा के दिए गोलू ने तो भूल ही गए थे तू। बहुत जरूरी चीज है यार, मवेशी बहुत ज्यादा है मनाली में ना भाई। में इतना ही सामान हम लद्दाख गए थे जब 10-15 दिन की ट्रिप प्लानिंग करके तब था, और इतना ही सामान अब 3 दिन की ट्रिप में जा रहे हैं, 2 जने जा रहे हैं, तभी भी भाई इतना ही सामान इसके अंदर है। पहला टोल तो भाई हमने कुंडली में क्रॉस कर लिया था, अब दूसरा टोल जो है हमने ये कौन सा हाईवे है भाई, सोनीपत वाला बना, सोनीपत वाला टोल क्रॉस किया है। तो पूरा टोल का जितना भी हमारा लगता है ना वो लास्ट में आपको बता दूंगा। अब जो पूरा अपना रास्ता है ना, पहले तो केएमपी जो था बिल्कुल सीधा सपाट था, 90 किलोमीटर का एक नंबर का है। इसके बाद अब इस वाले रास्ते जो हम चढ़ रखे हैं ये पूरा अपना जाएगा करीबन 200 किलोमीटर का। इसमें भी कोई ट्रैफिक नहीं है, पूरा आसानी से खेचो खेच जाएगी गाड़ी, पर लिमिट है यार इसमें 90 की और बहुत ज्यादा चालान भी कटते हैं इस रोड पे। पहला होल्ट ना भाई हमने यहाँ पे मंडल ढाबे पे लिया है, 11:30 बजे करीब हो रहे हैं और अब खाना पीना खाएंगे फिर आगे की तरफ निकलते हैं। और चंडीगढ़ में जो हमारे दोस्त है ना वो भी अपनी गाड़ी कुछ काम करा रहे टोयोटा में, हाईलक्स के पास में, तो साथ में निकलेंगे, करीबन 1:30 बजे पहुंच जाएंगे चंडीगढ़ में, सीधा पारंपार अपने मनाली और आगे तरफ में सिसु। भाई चंडीगढ़ आ लिया है और जो मैं बता रहा था ना आपको कि एक ही गाड़ी आई लक्स, वो एक नहीं है भाई, एक और गाड़ी अपने साथ में स्कॉर्पियन भी साथ में जुड़ जाएगी शायद। और जो बंदे कह रहे थे ना भाई हाईलक्स में एक है, वो एक बंदा नहीं है, हाईलक्स में 4 बंदे हैं और स्कॉर्पियो एन में शायद 2 बंदे हैं, तो टोटल अपने 3 गाड़ी हो जाएगी। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पलटते जाते हैं ना, पलटे होते रहते, पता नहीं अभी। हाँ हो भी सकता है भाई, कितने हो जाए, एक हो जाए, 2 हो जाए। पहले जो अपना प्लान बन रहा था ना भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने का बन रहा था, और मेरे हिसाब में तो भाई जो किया भगवान ने ठीक किया। मैंने ना एक ये चीज़ नहीं देखी थी कि चार्जर भी कम किलोवाट ज़्यादा किलोवाट के हो जाएंगे, मैं सिर्फ चार्जर ढूंढ रहा था। तो अब कम किलोवाट में क्या टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो टाइम हमने कैलकुलेट नहीं किया था, मतलब लगा कुल मिला के बच गए, पर जाएंगे जरूर भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लंबा। और चंडीगढ़ की मार्केट में भाई के बाल कटवाने के लिए उतरे हैं, बाबूजी को सिंगरवा दिया मैंने, 300 रुपए में कटवा दिया ये बोटे उस तरह से। बोटे उस तरह अब चलते हैं, बस वो तो आगे निकल लिया हमारे साथ में जो 2-3 गाड़ी थी ना, कितनी देर तक यार कौन बात देखेगा, टाइम ज्यादा लग गया भाई देखने के लिए। निकल पहाड़ों का नहीं, ये पहला टोल है भाई और अब इसके बाद से पहाड़ी पहाड़ चालू हो जाएंगे। अब बढ़िया वाले लद्दाख वाले नहीं है, ग्रीनरी है ना, तो तेरे को घुटन नहीं आएगी। हिमाचल में एंट्री करते हैं ना तो सबसे पहली टनल आती है भाई ये की देवभूमि, देवभूमि हिमाचल बड़ी है ये, कितने मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर की तो होगी ये, है ना आइडिया, हाँ इतनी तो होगी। बहुत सही है यार ये रोड ना, पहले पूरा बना रखा था पार्ट से पार, अब ये तूफान आया ना उसके बाद से तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। और टनल ना कई सारी आएंगी, तो कितनी दिखाऊंगा यार, कितनी बार बताऊंगा ये एक और टनल, ये एक और टनल। अगर जिसको चक्कर भी आते हैं ना तो इन रोड पे नहीं आएंगे, क्योंकि इसके बाद क्या है डबल लेन का रोड चल जाता है, पर फिर भी वो रहता है कि कैमरे लगा रखे हैं हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे, हर 2-3 किलोमीटर पर कैमरे हैं, तो आप भगा नहीं पाओगे, चलान आपको लिहाजी से और आराम से पड़ेगा। शुरुआत के लगभग लगा लो 50-1 किलोमीटर तक तो कैमरे रहते हैं, उसमें पूरा थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है, 50 से नीचे 60 से नीचे। फिर उसके बाद में भाई देखो ऐसे रोड आ जाते हैं बिना लाइनिंग वाइनिंग वाले, इसमें तो फिर आप खींच सकते हो। बाकी ठीक है यार, सरकार ने कैमरे दे रखे ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि टर्न्स वर्न ज्यादा है तो कोई इस जैसा नाड़ी ड्राइवर होया तो वो फिर यही खबर में आएंगे, अरे यार एक इधर गया। पंडुप डैम पे आ गए, पहले क्या था भाई इस पे पूरा जाम था, पर आज डेट पे जाम नहीं दिख रहा है, और ऊपर की तरफ में तो हमें भाई थोड़ा जाम दिख रहा है, पर देखते हैं यार ऊपर जाके जाम है नहीं है। और भाई जो ये पंडोप डैम के आगे वाला रोड है ना, ये पहले तक तो नहीं बन रखा था, ऐसे 3-4 महीने पहले, पर अब ये आगे वाला निर्माण हो गया। मनाली में ना हम गए नहीं है, मनाली के बाहर बाहर से निकल रहे हैं, क्योंकि जो अपने साथ में गाड़ी थी ना वो आगे रुक गई, और मनाली में जाने का कोई मकसद भी नहीं है, घूमना घामना तो है नहीं हमें,
हमें सीधा शिशुम जाना है, तो शिशुम पार हम पार जाने लग रहे हैं। और देखो ये पहले ना रोड टूटे ही पड़े थे, अभी भाई वैसे टूटे से ही पड़े हैं ये। पीछे ही बनाया थोड़ा बहुत पैच, थोड़ा बहुत ही बनाया है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई यहाँ पे, पर यूं है अब तो आवाजाही तो चालू हो ही रखी है। टूरिस्ट तो है यार, गाड़ियों की लाइन थी पीछे भी, टैक्सी सारी भरी हुई थी। और मनाली में जैसे पहले आते थे ना, वो क्या था मनाली से पहले कोई गांव गुम में हो क्या आना पड़ता था, पर अब वो चीज खत्म हो गई है। जो टूटा हुआ था ना वो अब अपने मनाली रोड पे से आ गए, अब अपने सीधे मनाली रोड से आ जाते हैं, तो वो भी फटीक थोड़ी बच गई। मनाली तक तो सूखे आ गए भाई, ये रीले हम सब बनाएंगे, ये बनाएंगे। डन है भाई, डन है, डन ब्रो डन। वो आगे जाने लग रही है हाइलक्स, और पीछे आने लग रही है अपने एक स्कॉर्पियो एन। हर महादेव, हर हर महादेव भाई, अब थोड़ा सा जोश है भाई, वो तो सही में अलग ही नेक्स्ट लेवल है, मैं उसकी बात बताऊंगा। भाई ने हाइलक्स ली थी तो आते ही ना ऑफ रोडिंग पे ले गया हूँ, उससे पहले उसने ना गाड़ी भगाई थी चंडीगढ़ वाले हाईवे पे, तो उसने 200 की वीडियो बना रखी थी, तो अब वो मट वट फंस गई उसके रेडिएटर में सब जगह। तो अब वो आज उसमें गया, कह रहा यार मेरी गाड़ी नहीं भग रही। अब उसको क्या कहना बंदे को, कह रहे यार पहले 200 भग रही थी अब 150 भग रही है। क्या मतलब। और आगे भाई वो तो धमड़ 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 भाई, उसके बाद कमानी है, अब हमारे में चोकर के खर्चा बैठ जाए, देखो कैसे भागता हो जा रहा है, उसे कोई फर्क ना पड़ रहा भाई, कमानी और चोकर में फर्क होता है। अरे भाई मुझे तो टेस्टिंग करनी है ना, वारंटी का फायदा उठाना है। सही बात है भाई, 150 भग रही है मर के बाद। बात के ना भाई 9:55 हो रहे हैं, 10 लगा लो। 10 बजे ना हम जैसे अटल टनल में एंट्री करी, तो यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हुई जैसे पहले होती थी ना चेकिंग, तो सीधा सीधा आ गए और बिल्कुल खाली पड़ी अटल टनल, कोई भी नहीं है भाई, एक गाड़ी भी नहीं दिखी मेरे को जितनी भी मैं क्रॉस करके आया हूँ। 10 बजे तक तो चालू है, पर उसके पहले का भाई मेरे को, उसके बाद का देखो मेरे को पता नहीं अब चालू रहेगी या फिर नहीं रहेगी स्पीड की। ओ भाई यार पतरा, यहाँ तो कैमरे लग रहे हैं ना? नहीं लग रहे, नहीं लग रहे ना। चल यार मैं तो खैची लेके आने लग रहे हैं, उन्नंगलवासी हरने भाई पीछे स्लो कर ली। सच में भाई बड़ी बढ़िया बना रखी यार अटल टनल ने, ये एक नंबर किया है, स्वाद सा जाता है। और उसके बाद में जो नजारे आएंगे ना भाई, भाई फिलहाल रात को तो दिखने नहीं है, बट जो मॉर्निंग में नजारे होंगे, हम ना पीछे देख रहे थे पहाड़ों पे बर्फ है, रात को दिख नहीं रही कैमरे में, हमारे को तो दिख रही है, हमें तो दिख रही है। अब फिलहाल हम देखते हैं, बाकी कोशिश करेंगे कल आपको अटल टनल तो यार मुश्किल दिखे वापसी है ना, वो रील के लिए। ठीक ठीक है भाई, अब होने वाली है भाई अटल टनल क्रॉस। देखो जितना सबर मेरे को है उतना सबर आपको करनी होगा, काट के देख लो, फट देनी तेरी ऐसी की तहसील ले। तू तो 10 घंटे में क्रॉस कर, हम यहाँ भी 1 सेकंड में क्रॉस करके दिखाते हैं। टेम्परेचर ना बहुत तगड़ी तरीके से गिरा है भैया, तुम जन्नत में एंटर हो चुके हो। 2 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और भाई भाई वाह, ये भाई बर्फ है इधर, और रात को तो खैर कुछ भी नहीं दिख रहा। वो पत्रा देख, पहाड़ा देख भाई, ऊपर कर साले, वैसे लाइट नीचे कर गया, ऊपर कर गया भाई, वाह भाई देखो नहीं दिख रहा, भाई वाह भाई, नहीं आप भाई इसके सुबह भी नहीं ले सकते, बट सुबह आई विल मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो में ये देख लो ना भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बढ़िया हो जाएगा। जो आगे पड़ी हुई ना मिट्टी सी, ये ना पूरी बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, और ये गाड़ी भाई हमने पीछे पछाड़ दी थी, अब इन दोनों गाड़ियों को हमने जान के जान के। तो भाई शिशु पहुंच गए और -6 टेम्परेचर है भाई, अंदर तक ना पूरी ही होने लग रही है, अंदर मेरे फोकस नहीं हो रही, इस तरीके से होने लग रही है। और भाई किसके महाराज शॉल भाई बहुत मस्त है यार, ये भाई वहां से लिया था लुधियाना से, -6 में आके होटल से बाहर शूज निकाल के, होम स्टे से बाहर शूज निकाल के, और भाई अलग ही मजा है। अब अपने बैग वैग उठा के अंदर चलते हैं, सांस तो देखना चढ़ ही जाते हैं। ये अपना कुछ होटल था और ऊपर की तरफ में हमने रूम ले रखे थे, और इमरजेंसी में क्या है भाई, एक भी ना रूम खाली नहीं था, तो चार जने हम लोग एक ही रूम में सो गए। और भाई वो चप्पल उतार के आनी पड़ती है, देखो भाई ये रूम ले रखा था, और गर्म है यार, तो गर्म तो यहाँ सो गया है, यहाँ सो गए दो जने, यहाँ सो गए बढ़िया। अपने रात को यहाँ पे पहुंच गए थे, अब हमारे साथ में आरखी थी, एक तो अपनी स्कॉर्पियन थी, और एक ये दूसरी स्कॉर्पियन है, और एक वो हाइलक्स है। और जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे ना, एक स्कॉर्पियन ये खड़ी हुई है, और एक स्कॉर्पियन अभी यहाँ से चली गई है,
एक जिमनी है और एक थार खड़ी है, मतलब पूरा एडवेंचर करने के लिए लोग यहाँ पे आ रखे हैं। आज भाई पूरी बर्फ पड़ेगी 23 तारीख को ना, आज पूरी बर्फ पड़ेगी, सुबह तो नहीं हुई देखो, पर हाँ बर्फ पड़ेगी क्योंकि ऊपर की पहाड़ियों पे बर्फ पड़ी थी। तो भाई ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, और हम इस होटल में रुके हुए हैं फार्मर होम स्टे में। भाई बिल्कुल ठीक था यार, रात को ना अच्छा दबके सोए, रात को ठंड थी पर अब सुबह में इतनी कोई ठंड नहीं है। चलो भाई जय श्री राम।